उत्तर प्रदेश के बदोही में देर शाम बिजली गिरने से उसकी चपेट में आए एक किशोर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि जिले में देर शाम तेज बारिश के बीच जिले के कोई रोना थाने के भरद्वार गांव के एक खेत में गिरी बिजली के चपेट में आने से शशि भूषण दुबे, सुखना देवी और अंकित गौतम की झुलसकर मौत हो गई। वहीं सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय क्षेत्र में मंगलवार को अचानक हुई बारिश के दौरान गिरी बिजली के चपेट में आने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी राजाराम चौधरी ने बताया कि बल्दीराय क्षेत्र स्थित पूरे देवा गांव में मंगलवार दोपहर 3 बच्चे अपनी भैंस चरा रहे थे। अचानक बादल घिर कर आए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई। इसी दौरान बिजली गिरने से 3 बच्चे झुलस गए। उन्होंने बताया कि सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने 3 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज शुरू होने के दौरान शत्रुघ्न और अमित की मृत्यु हो गई। वहीं तीसरे बच्चे अहम, जो कि 8 साल का है, उसका इलाज जारी है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वहीं बताया गया कि 2 बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं मेहरागंज से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक जिले के निचलौल थाना क्षेत्र स्थित बिगड़ी गांव में खेत में गिरी बिजली की चपेट में आने से रघुवर नायक और खुशी की मौत हो गई। उप जिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि इस घटना में 2 अन्य लोग भी झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।